नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के चुकसलाई क्षेत्र में एक युवती के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, थाने में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। सारंडा और जमशेदपुर के वन विभाग ने अवैध लकड़ियों से लदे बस को पकड़ा, चालक और कंडक्टर गिरफ्तार। जमशेदपुर के बागबड़ा में शराब दुकान खोले जाने का स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस ने मामले को कराया शांत। और जमशेदपुर राजस्थान सेवा सदन की नई कमेटी के लिए मतदान संपन्न, लगभग 62% हुआ मतदान। और अब खबर विस्तार से, और आज खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने एक बार फिर से पूरे शहर को शर्मसार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जमशेदपुर के चुकसलाई थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पीड़िता ने इस संबंध में एक प्राथमिकी चुकसलाई थाने में दर्ज कराई है, जिसमें 3 को नामजद अभियुक्त बनाया है। अपने द्वारा किए गए शिकायत में बागबेड़ा की रहने वाली पीड़िता ने कहा कि वह 21 मई की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच किसी काम से स्टेशन की ओर जा रही थी। उसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपियों ने उसे स्टेशन रोड में पकड़ लिया और जबरन रेलवे ट्रैक के किनारे लेकर चले गए, जहां बारी बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से चुकसलाई के रहने वाले विनोद शाह, सागर दास, पप्पू मुखी नामजद अभियुक्त हैं, जबकि 3 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल भी कर रही है। कितने तारीख को? मंगलवार 21 तारीख को। तो इतने दिनों बाद आप प्राथमिकी दर्ज की? मतलब थाना में एक सामूहिक दुष्कर्म के मामला सामने आई है। पीड़िता ने एक लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर 3 नामजद और 3 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। वहीं सारंडा और जमशेदपुर वन विभाग की टीम ने संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई करते हुए पोटका के हाता क्षेत्र में मां भवानी बस से भारी संख्या में लदे साल लकड़ी के स्लीपर्स बरामद किए हैं। बस के चालक और कंडक्टर को विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सारंडा वन विभाग की टीम ने तकरीबन 140 किलोमीटर से मां भवानी बस का पीछा किया और हाता के पास बस को रुकवाकर सभी सवारियों को उतरवा दिया और बस को जब्त कर लिया। बस की छत के ऊपर से 13 पीस स्लीपर को वन विभाग की टीम ने बरामद किया है। वहीं सारंडा वन विभाग की टीम के अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि बस का चालक रंजीत दास और कंडक्टर मधुसूदन दास की गिरफ्तारी हुई है और आगे की कागजी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वन विभाग को इस तरह के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल जादूगोड़ा थाना में सभी को रखा गया है। जी हमें गुप्त सूचना मिली थी कि ये सरंडा के वन से लकड़ियों का व्यापार हो रहा है, और ये गुप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने किरबुड़ी से इस गाड़ी को चेस करना शुरू किया। चूँकि सरंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी का नेतृत्व इसमें था और हम लोग को हमें सूचना दिया गया है कि गाड़ी को चेस किया जाए। हमने लगभग 140 किलोमीटर इस गाड़ी को चेस करके और हमने जमशेदपुर वन प्रमंडल को भी सूचना दिया, हमने जमशेदपुर के SSP के साहब को भी सूचना दिया और इन लोगों के सहयोग से हमने हाता चौक पे इसको लगभग 9 बजे के आसपास हमने इस गाड़ी। साथ ही जमशेदपुर के बागबेड़ा हर हर गुट्टू शिव मंदिर चौक के समीप सरकार की ओर से शराब दुकान आवंटित किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर रविवार को ग्रामीण गोलबंद हो गए और रैली निकालकर दुकान खोले जाने का विरोध किया। सभी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दुकान खोले जाने वाली जगह पर एकत्रित हुए और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग काफी आक्रोशित थे। बाद में पुलिस ने लोगों को बताया कि इसकी शिकायत आप धालभूम STO से जाकर करें, सरकार ने इसकी बंदोबस्ती की है, स्थानीय पुलिस सिर्फ विधि व्यवस्था को ही देख सकती है। करीब आधे घंटे तक दुकान पर लोगों ने हंगामा मचाया।
लोगों का कहना था कि यहां पर दुकान खुलने से बस्ती क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है और युवा वर्ग नशे की जद में आ सकते हैं। ओ भाई साहब थोड़ा कैमरा नीचे गया। पहला काम तो एकदम आसान तरीका से हो जाएगा कि यहाँ पे हर हर कुटू में आज सूचना मिली कि यहाँ पे दारू दुकान खुलने वाला है, सरकारी दारू दुकान, जिसका यहाँ के ग्रामीण और अगल बगल के लोगों के द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है, जिसमें महिला काफी संख्या में है। हम लोग यही आश्वासन दिए अपने स्तर से कि विधि व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे दारू का दुकान नहीं खुलेगा। जिनका मकान है उनको बुला दिए गए हैं, अब उसे थाना में ले जाके बातचीत करेंगे हम लोग प्रशासन के साथ और उनको कहेंगे कि नहीं खुलेगा। शर्मा का कुटुंब भी खुल रहा है मंदिर के पास में और हम लोग मतलब कि हमारे गाँव वाले चाह रहे हैं कि शराब का दुकान ना खुले और हमारे पंचायत में ही ना खुले और इसलिए हम लोग क्योंकि एरिया में अगर खुल जाता है तो आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ होगा और उसके बाद में घर परिवार को भी बहुत बुरा असर होता है, इसलिए हम और हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं कि शराब बंद किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि जुगसलाई स्थित राजस्थान सेवा सदन की नई कमेटी के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। बता दें कि लगभग 62% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। दो साल के अगले सत्र के लिए जुगसलाई स्थित राजस्थान सेवा सदन के 25 सदस्य कमेटी के लिए रविवार को जुगसलाई शिव मंदिर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कुल 419 वोटरों में लगभग 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक अध्ययन, दो अध्यक्ष, एक महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष एवं दो संयुक्त सचिव पद और 18 कार्य समिति के सदस्यों को चुना गया है। बता दें कि चुनाव का परिणाम देर रात तक आएगा। इधर चुनाव पदाधिकारी व सीए कौशल सिंघानिया ने चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। ये पिछले करीब 35 वर्षों से सजग होता है और हर 2 साल पे इसकी कार्यकारिणी समिति के चुनाव होते हैं। अभी 2019 के लिए 19-20-21 दो साल के लिए कार्यकारिणी समिति के चुनाव होंगे। इसमें कुल 25 सदस्य चुनते हैं। इसमें चुनाव का कार्यक्रम पिछले करीब 1 सप्ताह से चलता है और चुनाव प्रक्रिया चालू है और इसमें कार्यकारिणी के 25 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और वो फिर अगले 2 सालों के लिए इसके संचालन। मतलब कार्यकारिणी में पदाधिकारी से लेकर 25 लोग शामिल हैं। हाँ, तो अभी मैदान में चुनाव के लिए कितने लोग हैं? अभी 41 मेंबर इसमें चुनाव हैं, जिसमें अध्यक्ष पद अध्यक्ष एक है, उपाध्यक्ष दो है, महासचिव एक है, संयुक्त सचिव दो है और कोषाध्यक्ष एक है और फिर इसमें अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं। जैसे ट्रस्टी सदस्य है तो ट्रस्टी सदस्य में चार, एक वंशानुगत सदस्य है और उसमें से 5, फिर एक साधारण मेंबर है और फिर एक ऑर्डिनरी लाइफ मेंबर है, तो सभी की अलग अलग श्रेणी से अलग अलग फिर सदस्य। और पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस पर रामगढ़िया समाज के द्वारा छबील लगाकर राहगीरों के बीच में चना और मीठा शरबत बांटा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद रहे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर साक्षी में छबील लगाई गई। इसमें राहगीरों को मीठा शरबत बांटा गया। बता दें कि दिन भर छबील में शरबत का वितरण चलता रहा। रामगढ़िया समाज के अध्यक्ष ने बताया कि आध्यात्मिक जगत में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु अर्जुन देव हरमिंदर साहिब के रचनहार थे। उन्होंने बताया कि ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरुदास की सहायता से सन 1904 में किया था। गुरु अर्जुन देव मुगल जहांगीर के जुल्मों को सहते हुए ज्योति जोत में समा गए थे। रामगढ़िया सभा समाज की तरफ से गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई थी तो वो गर्म करके जलाया गया था, पर लोहा का प्लेट में बैठाया, ऊपर बालू डाला गया, मैंने उसको आग में जलाया गया समझिए कि जिसके चलते हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए उनकी शहादत हुई, जिनकी आत्मा को शांति करने के लिए
हमारा पूरा देश में विश्व में इनका ये शहादत दिवस ठंडा पानी का सेवा और चना का प्रसाद बांट के किया जाता है। आज हम उसी सेवा को समर्पित है पूरा समाज। वहीं बागबेड़ा सीपी टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर पौष्टिक आहार में घोटाले करने का आरोप लगा है। हालांकि केंद्रीय प्रभारी ने इस आरोप से साफ इनकार किया है। बताया जाता है कि गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से पौष्टिक आहार बांटे जाते हैं। रविवार को अवकाश के दिन बागबेड़ा सीपी टोला स्थित गोदाम से टेम्पू से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पौष्टिक आहार भेजे जा रहे थे। अवकाश के दिन पौष्टिक आहार भेजने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग सेल के मंडल अध्यक्ष राजकुमार यादव ने घोटाला होने की आशंका जताते हुए इसकी शिकायत डीसी से करने की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र प्रभारी माधवी सिन्हा ने आरोप को बेबुनियाद बताया। तो हम लोग कल नहीं पढ़ पाए थे, तो आज संडे, मैं तो कल सामान तो कल गिरा था, आज हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंटर सेंटर। ग्रामीणों की समस्या है, ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि नेताजी इस जगह पर बागबेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों का पोषण आहार आया है उसका लूट फसोट चल रहा है। तो मैंने जब यहाँ के पदभार से माधुरी जी से बात किया तो माधुरी जी ने बताया कि पोषण आहार बच्चों के निर्गत किया जा रहा आंगनबाड़ी सेविकाओं को, तो उसमें से एक महिला जो आंगनबाड़ी सेविका जिनका नाम रूबी जो दूसरी पंचायत की है, हमें लगता है वो कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ में लगी कि हमने जब इसका विरोध किया कि पोषण आहार बच्चों को ले जाने के लिए आपके आप ले जा रहे हैं तो 10 बच्चे टेम्पू क्यों ले जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ लगा इस चीज़ का कि पोषण आहार हम ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है उनका और कहीं ना कहीं बेचने की चाहत लगी जा रही इसमें, इसका हमने विरोध किया। ग्रामीण ने मुझे बुलाया, मैंने इसका विरोध किया। बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र का पोषाहार है कल हम लोग को मिला है और बागबेड़ा में 18 सेंटर है, 18 सेंटर को ये पोषाहार जाना है। सेंटर 6:30 से 9:30 बजे तक ही खुलता है गर्मी के दिनों में, तो सेविका लोग अपना ले जा करके बांटेगी, इसलिए संडे को हम लोग रखे कि ये तो एक तरह का गोदाम हुआ, यहाँ से सामान उठा करके ले जाएगी, ये कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए कार्य दिवस नहीं होते हुए भी हम लोग आ करके आज डिस्ट्रीब्यूट किए, सेविका लोग उठा करके ले गई अपना अपना केंद्र में सामान। साथ ही आपको बता दें कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एशिया के वार्षिक आम सभा में एशिया के संविधान में संशोधन करते हुए अध्यक्ष पद पर लगातार 3 बार बने रहने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष इंदर अग्रवाल के अगले 3 वर्ष के कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर बने रहने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इससे पूर्व एशिया के वार्षिक आम सभा में सत्र 2017-19 में किए गए प्रमुख कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसके तहत इन 3 सालों में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की निर्भरता टाटा मोटर्स के अलावा रेलवे डिफेंस में स्थापित की गई। इसी क्रम में MSMI और NSIC के सहयोग से मिनी वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। साथ ही आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। वहीं RDSO के पूर्व क्षेत्र के साथ रेलवे से स्थानीय उद्योगों को जोड़े जाने की पहल इन 3 सालों के दौरान की गई है। एशिया दरवा किए गए खर्च से संबंधित बैलेंस शीट कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। इस मौके पर एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस प्रकार से इंसान तकलीफ में भगवान और मंदिर को याद करता है, ठीक आज औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी उद्योग से जुड़े समस्याओं के लिए एशिया को याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोगों के जो भी मेंबर हैं उसके एशिया का चुनाव आने वाला है। मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन में मानना है कि इस चुनाव में वही लोग पार्टिसिपेट किए जो करें, जो एक मन और श्रद्धा के साथ इस संस्था को मंदिर के रूप में मानते थे कि हमको 2 साल अपने व्यावसायिक समय से और बच्चों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने और जन जन तक इसे पहुंचाने को लेकर जमशेदपुर में छोटे छोटे बच्चों ने योग जागरूकता रैली निकाली। वैसे इस रैली में बच्चों के अभिभावकों ने भी शिरकत की। वहीं इस योग रैली का आयोजन पतंजलि बाल संस्कार शिविर और पतंजलि युवा भारत की ओर से किया गया था। आपको बता दें कि पतंजलि बाल संस्कार शिविर की ओर से पिछले 2 साल से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समर कैंप लगा बच्चों को योग की शिक्षा दी जाती है। वैसे यह रैली जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र से निकाली गई और आने वाले दिनों में इसे और व्यापक पैमाने पर किए जाने की बात कही गई है। आचार्य बाल कृष्ण की जय। जंगल का यह नारा है, योग हमें अपनाना है, जय
ये पतंजलि बाल संस्कार शिविर जो पतंजलि युवा भारत के द्वारा आयोजित किया गया है, यह लगातार दूसरे वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बच्चों को योग के प्रति जागरूक करना, और आज इसी सिलसिले में कई कार्यक्रम हुए हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह योग रैली का है। बच्चे टेलको क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। यह योग रैली एक ऐसी एक्टिविटी है जो शायद विद्यालयों में यह एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, और इससे बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावक और जहां से भी ये बच्चे का कारवां गुजरेगा वो योग के संदेश को फैलाएंगे और लोग योग के प्रति आकर्षित होंगे और इसको अपनाएंगे। स्वस्थ और सुखी समाज का निर्माण होगा, इसी उद्देश्य से यह पतंजलि बाल संस्कार शिविर का आयोजन हुआ है, योग रैली का आयोजन। वहीं दूसरी ओर सरायकला जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष खुशहाली और आरोग्य की कामना को लेकर ग्रामीण भक्ति भाव के साथ गाजन पर्व मनाते हैं। इस पर्व के साथ ग्रामीणों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ गाजन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का इंतजार ग्रामीणों को बड़े उत्साह के साथ रहता है और पर्व को मनाने के लिए स्थानीय काफी समय पूर्व से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। शनिवार को चांडिल के नीमडी में भक्तों ने स्नान के बाद पूजा अर्चना कर इस पूजा का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर भक्त नंगे पैर अंगार पर चलते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। मान्यता है कि अंगार पर नंगे पांव चलने से भक्तों में आरोग्य बना रहता है और यह बीमार नहीं पड़ते हैं, जबकि इस पर्व के आयोजन से गांव में खुशहाली रहती है। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि गोलटोरा बरपाली सरायकेला के पास हादसे में एक महिला और उसका रिश्तेदार जख्मी हो गया है। बता दें कि दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि सीमा महतो रविवार को अपने रिश्तेदार युवक के साथ बाइक से चांडिल मायके जा रही थी। गोलटोरा बरपाली के पास डाला टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला और उसके रिश्तेदार जख्मी हो गए। टक्कर मारने के बाद डाला टेम्पो चालक फरार हो गया है, जबकि स्थानीय पुलिस ने डाला टेम्पो को जब्त कर लिया। बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर घायलों के रिश्तेदार ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। क्या नाम है उनका? सीमा महतो। सीमा महतो। लड़का को? निर्मल महतो। निर्मल महतो। निर्मल कहाँ के रहने वाले ये लोग? गुड़ा बड़पाली।
बूढ़ा टोला बड़पाली थाना सरायकला। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? गोलाडी। कहाँ पड़ता है? सरायकला थाना। कैसे हुआ, कहाँ जा रहे थे ये लोग? बूढ़ा से चाहिए लोग चंडी जा रहे थे। क्या चीज़ से? बाइक से। अच्छा, फिर अंदर घटना हो गई, पीछे से धक्का मार दिए। कौन गाड़ी? डाला गाड़ी कोई था, हम गाड़ी देखे नहीं अभी तक। अच्छा, जाएंगे देखेंगे गाड़ी। गाड़ी पकड़ाई है? गाड़ी पकड़ा दिए। ड्राइवर? ये तो पता नहीं, ड्राइवर है कि भाग गया? भाग गया होगा, गाड़ी मगर पकड़ाई है। तो क्या पीछे से लोगों को मारा टक्कर? पीछे से मारा। ये हुई कौन से जगह में एक्सीडेंट? भोलाडी, भोलाडी में रोड में हुआ है। मेन रोड में, वहीं पर मारा है। कौन है ये लोग दोनों? ये दोनों मेरा मेरा साला लगता है वो, और छोटे साला का वाइफ है वो। ये बड़ा साला है? नहीं नहीं, चाचेरा ससुर का बेटा है वो साला। अच्छा, छोटा चाचा ससुर के बेटे हैं वो, साला लगता है इसका ना, और वो मेरे छोटे साला का वाइफ है। सरायकला से चांडिल जाते थे? गांव गुढ़ा गांव से, गुढ़ा गांव गोड़पाली से लोग चांडिल जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन, स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव और जनप्रतिनिधियों पर पेपरबाजी कर झूठे दावे करने का आरोप लगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने बताया कि सरकार पेपरबाजी कर झूठे दावे कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में घपलेबाजी जारी है। यहां तक कि स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त हैं, मगर पद भरे नहीं जाते। उन्होंने दावा किया कि आउटसोर्सिंग में घपलेबाजी हो रही है। साथ ही महतो ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जल्द से जल्द अविलंब रद्द करें, और नहीं तो हम लोग तीनों मेडिकल कॉलेज और बीएससी सदर जहां भी पाराकर्मी। कितना दिनों का समय है? कब तक का समय दे रहे हैं आप लोग इसमें? मीडिया कार्य को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और पैरामेडिकल छात्रों एवं कर्मियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार उद्गार करता हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का मकसद है कि झारखंड सरकार वर्ष 2006 से ये कोर्स चला रही है, और ये कोर्स सिर्फ चला के सिर्फ मैंने पेपरबाजी ही सिर्फ और चला रही है। और आज के इस मीडिया के माध्यम से अब तमाम पदाधिकारी, विशेष करके स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, एवं यहाँ के जनप्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि, पैरामेडिकल कर्मी एवं तमाम को, सभी को मैं इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार इस स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज, पीएससी, सीएससी, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर अस्पताल, ये सारे जगह रिक्त एवं नौ पद सृजित करके अस्थायी नियुक्ति किया जा सकता है। इसके विगत हम लोग 6 वर्ष से इसका डिमांड कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाई गई, इस सरकार से मेरा प्रश्न करता हूं और मांग करता हूं कि आज तक विगत 6 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आगे हम क्या करेंगे? दूसरी बात, एक बहुत बड़ा एक धांधली चल रहा है आउटसोर्सिंग के नाम से हम लोग आज आंदोलन बार बार करते हैं, लेकिन इस पर कोई सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। जबकि जब तक ये आउटसोर्सिंग चलती रहेगी, तब तक हमारे झारखंड के युवा छात्रों के बीच धांधली और धोखा होते रहेगी। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सरजुराज से मैं पूछना चाहता हूँ कि जमशेदपुर में, जबकि विधानसभा सत्र 2014 में पैरामेडिकल कॉलेज का पास हुआ है, लेकिन आज तक पैरामेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना और छात्रों को स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया जा रहा, ये मैं माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ। अब आगे क्या करेंगे? इससे हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, इसमें सरकार पहल नहीं करती है तो सारे पैरामेडिकल कर्मी एवं छात्र एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी सरकार को स्थिति को देखते हुए। और रोटी बैंक और मॉर्निंग वॉकर के संयुक्त तत्वाधान में एमजीएम अस्पताल में 300 रोगी और अटेंडरों को खाना खिलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोटी बैंक के पदाधिकारी अश्विनी मथान ने बताया कि रोटी बैंक की ओर से हर रोज एमजीएम अस्पताल के रोगियों को खाना खिलाया जाता है, जबकि प्रत्येक महीने में अंतिम रविवार को अटेंडरों को खाना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रविवार को रोटी बैंक और जुबली पार्क के महिला वॉकर के संयुक्त तत्वाधान में खाना खिलाया गया। अश्विनी भैया आपका ले रहे हैं। हो रहा है 3-3 जन आने दोनों साइड देख लेते हैं। जल्दी बच्चे लोग, जल्दी 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 चल। आदिपुर में गमरिया में कांड। अरे आप यहाँ जो बाबू अगर नहीं चंद्र बाबू उधर ही नहीं पड़ी चंद्र बाबू अगर। रोटी बैंक ऐसा संस्था, सामाजिक संस्था है, जो कि प्रतिदिन एमजीएम हॉस्पिटल में जो मरीज है उनका अटेंडर लोगों का सेवा करता है। हर दिन जो दूर दराज, जहाँ गाँव बस्ती से आते हैं अपने इलाज करने के लिए,
उनको हम लोग रोटी बैंक के तरफ से हम लोग खाना खिलाते हैं, हर दिन प्रतिदिन खिलाते हैं। आज संडे जो है हमारा मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप जो आज का स्पॉन्सरशिप लिए हैं, आज का जिम्मेदारी उन्होंने लिए है, ये महिला वैसा महिला लोग है जो कि जुबली पार्क में मॉर्निंग वॉकिंग में करते हैं, वो एक टीम है, वो टीम के तरफ से आज का भोजन उनको दिया जा रहा है। कैसा लगता है? देखिए हर दिन सेवा करने में भूख तो हर दिन लगता है, लोगों को भूख हर दिन लगता है। हमारा रोटी बैंक का ऐसा मकसद है कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, उसी अर्थ को साबित करने के लिए हम लोग प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। इससे करीब से 300 से 350 लोग को प्रतिदिन सेवा हम लोग करते हैं। आज गर्मी के मौसम है, इसीलिए हम लोग आज छांस का भी व्यवस्था किए हैं लोगों को, और सब खाने के साथ साथ हम लोग छांस का भी व्यवस्था किए। साथ ही आपको बताते चले कि ससुराल में पिटाई से जख्मी आदित्यपुर रोड नंबर 19 की रहने वाली सोनी कुमारी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि सोनी कुमारी की शादी एक साल पहले उड़ीसा के कलिया महर निवासी राजू प्रसाद के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले सोनी को नहीं ले जा रहे थे। पिछले जनवरी महीने में ही मायके वालों ने सोनी को ससुराल ले जाकर पहुंचाया था। इधर सोनी की मां निर्मला देवी ने बताया कि उसकी बेटी को ससुराल में मारा पीटा जाता था और उसे प्रताड़ित किया जाता था। शुक्रवार को उसकी बेटी को पीट कर घायल कर दिया गया, जहाँ ससुराल से बेटी को वापस लाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनवरी में भेजे थे उनको विदा करते, चार महीने नहीं बचे थे, नहीं बचे थे। कम से कम तो भागा ही। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला देवी। बेटी का आपका? सोनी कुमारी। कहाँ का रहने वाला है? आदित्यपुर। लाइन नंबर? लाइन नंबर थी 19वां रोड लाइन पट्टी। इनका ससुराल कहाँ है? झाल चकड़ा कलिया भट्टा। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा रावरकेला। उड़ीसा में पड़ता है। हाँ, कब हुई थी शादी? शादी हुई एक साल हो रहा है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? पति इसको मैं ले नहीं जाया था, तो 5 आदमी मिलकर अपना ब्यादरी मिलकर पहुँचाए जनवरी में, तो 2 रोटी देते थे खाने के लिए दोपहर में, और तो काम करके 2 बजे, और फिर खाना नहीं बचता था, खाता था, फिर खाना नहीं खाना बचता था, और सब मिलकर मारा, बेटी को मारा देंगे, तो रुपया मांग के लाओ 5 लाख बाप देते, कहाँ बाप को ले देगा, हम दुकान खोले 5 लाख रुपया दो मेरा को। लड़का का क्या नाम है? लड़का राजू प्रसाद। राजू प्रसाद। हाँ, कब मारा आपके बेटी को? यही परसों, गुरुवार को। तारीख है? गुरुवार को मारा। हाँ, गुरुवार 3:30। यहाँ आप कब लेके आए हॉस्पिटल? हम लेके आए हैं शुक्रवार के 2 बजे ट्रेन से रात में। कब? शुक्रवार को लेके आए। यहाँ भर्ती कराए हैं? हाँ, भर्ती कराए हैं। तो क्यों उनको ऊपर मार रहा है? क्यों मार रहा है? मार रहा है कि आपको देखें, जब आपको जला दिया, मांग के लाए रुपया बाप से 2 लाख रुपया, हम दुकान 2 लाख रुपया दो मेरा माँ के बाप से, मांग के पलंग मांग के ला, ई ला मांग के, ई मांग के ला वो, तो तुमको मारा देंगे। तेल खोला ही मारा डंडा बलेट से मारा, और तेल ढकन जब खोला ना, देखा माचिस लिया है बढ़िया, जान प्राण छोड़कर भागा बाजार में। वहीं भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर के सोनार स्थित गुरुजात संघ में किया गया, जिसमें मानव के अधिकारों से संबंधित विषय पर चर्चा हुई। एसोसिएशन से जुड़े नए पदाधिकारियों को मानव के अधिकारों के हनन पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष अनुनयन श्याम कमल किशोर ने कहा कि कई मुख्य समस्याओं को कैसे समाधान करना है, उस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुंबई से आए मुख्य वक्ता संगठन सचिव प्रदेश अध्यक्ष अनुनयन श्याम कमल, प्रदेश उपाध्यक्ष तापस कुमार, सचिव प्रांतिक केदाश आदि लोग मौजूद थे। शिकायतें जो आती है उसको हल करते हैं, ये सब काम जाके फील्ड में करना पड़ता है जो भी इस एसोसिएशन में है। ये मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम था हमारे, ये स्टेट लेवल से ऑर्गेनाइज किया गया कार्यक्रम है आज का। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है आपका, एक पूर्वी सिंहभूम और एक सरायकेला खरसवा के पदाधिकारी लोग को मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम। किस प्रकार के आप लोग काम कर रहे हैं फील्ड में सर? हम लोग मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को हम लोग मानवाधिकार क्या है से जागरूक करते हैं, और साथ ही साथ जिसको भी किसी तरह का परेशानी होता है, प्रशासन से परेशानी हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, सरकारी प्रशासन हो, या कोई भी चीज़ हो, हम लोग एक उनको समस्या का समाधान
कराते हैं। क्या आपका रिस्पॉन्स मिल रही है? देखिए फील्ड में हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जैसे हम लोग रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आए दिन नक्सली वारदात से भी काफ़ी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी लोग जो हैं उन्हें प्रताड़ित करके बहुत सारे नक्सली केस में भी भेज दिया जाता है, तो उनके बारे में हम समाधान का काम कर रहे हैं, और खास करके पॉक्सो एक्ट पर कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। साथ ही जमशेदपुर के विष्णुपुर विहंगम योग आश्रम में विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यज्ञ के उपरांत भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसके तहत लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। विश्व शांति यज्ञ के दौरान यहां लोगों को बताया गया कि योग के निरंतर अभ्यास से हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। सदगुरु का संदेश है कि पूरा विश्व हमारा है और पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में विहंगम योग संस्था के सह संयोजक नीरज मिश्रा ने बताया कि विहंगम योग आत्मा व परमात्मा के मिलन का वैदिक मार्ग है। इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण, शांति व स्थिरता, आत्म साक्षरता व असीम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। आश्रम 8 नंबर जुबली रोड में यहाँ सभी संत समाज के लोग एकत्र होते हैं, और विश्व शांति की कामना के हेतु यहाँ पे विश्व शांति वैदिक महायज्ञ किया जाता है। इसी के तहत एक भंडारा का भी आयोजन किया गया था। सभी लोग यहाँ 8 बजे सुबह जुट गए थे। 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे विश्व शांति वैदिक महायज्ञ किया गया। उसके बाद भंडारा हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने भंडारा को लिया है। और आज विहंगम योग सदगुरुदेव के द्वारा पूरे भूमंडल पर विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें विहंगम योग में 15 मिनट के नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण करने लगते हैं, और मन पर नियंत्रण करते करते धीरे धीरे। और एटक के सबत टेलको मजदूर यूनियन स्थायी मजदूरों को काम से निकाले जाने एवं अन्य मुद्दों को लेकर 5 जून से चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए टेलको मजदूर यूनियन के महामंत्री अंबुज कुमार ठाकुर ने मीडिया को बताया कि टाटा मोटर्स प्रबंधक एक तरफ विश्व स्तरीय कंपनी होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ असंगठित मजदूरों का शोषण करने में आमादा है। 500 अस्थायी मजदूरों को काम से हटाया गया है। ग्रेड रिवीजन पिछले अप्रैल महीने से ही लंबित है। उन्होंने जानकारी दी कि 5 जून से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन है। टीम के द्वारा जो कार्यक्रम लिया गया है, प्रथम चरण में पर्चा बांटा जाएगा। टाटा मोटर के इर्द गिर्द जो भी क्षेत्र है, उस तमाम क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को उससे अवगत कराया जाएगा। दूसरे चरण में बातचीत स्वतंत्र भारत में ये विडंबना है टाटा मोटर के लिए कि विश्व स्तरीय कंपनी अपने को बताती है, लेकिन यहाँ के मजदूरों की स्थिति पर जब चर्चा होता है तो ऐसा महसूस होगा आपको कि शोषित मजदूर यहाँ जी रहे हैं। 500 मजदूरों का, अस्थाई मजदूरों का कल ही छटनी किया गया, खास करके इसलिए कि ग्रेड रिवीजन हम समय पर नहीं करें। आज ग्रेड रिवीजन अप्रैल माह से लंबित है, उसको लेकर के टेलको मजदूर यूनियन के द्वारा मांग पत्र दिया गया, लेकिन आज तक प्रबंधन उसका संज्ञान नहीं लिया है। अंततः हम लोगों ने आज इस प्रेस के माध्यम से ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला 5 जून से हमारा चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत होगा, जिसमें प्रथम चरण में पर्चा, पोस्टर, इसके बाद एरिया मीटिंग, इसके बाद गेट मीटिंग, और इसके बाद हम लोग ऊपर के नेतृत्व से तय करेंगे कि आंदोलन को किस दिशा में ले जाना है। खास करके ये टाटा मोटर को आगाह कर देने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इस पर आगाह हो जाना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय में जो आंदोलन होगा उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी टाटा मोटर प्रबंधन का होगा। साथ ही टाटा स्टील कंपनी की ओर से पर्यावरण दिवस पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब परिसर में टाटा स्टील कंपनी की ओर से पर्यावरण दिवस पर समर कैंप के दरमियान बच्चों के लिए एक दिवसीय चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का थीम शुद्ध वायुमंडल रखा गया था। इधर आदित्यपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी सुरेश पासवान ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बाबत जानकारी दी। दिवस के उपलक्ष्य में टाटा स्टील के द्वारा समर कैंप के द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अन्य वर्षों में जीआरडी कैंपस में आयोजित होती थी, परंतु इस बार मौसम को देखते हुए यहां आयोजित की गई है। इस वर्ष का थीम है बीट एयर पोल्यूशन।
मैंने बच्चों से उसी को इस चित्रांकन में दर्ज करने के लिए कहा गया है कि वीड एयर पोल्यूशन को देखते हुए आप अपने चित्र में चित्रांकन करें। और आज हमारे इस प्रतियोगिता में 88 बच्चे शामिल हैं और वो इस चित्र के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय एक्शन में नजर आए। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि NH-33 का काम किस कंपनी को मिला है, फौरन तुरंत ही उन्होंने उस कंपनी के तमाम अधिकारियों के साथ NH-33 स्थित एक निजी होटल में बैठक की। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि NH निर्माण में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर कर NH-33 का निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि NHAI के अधिकारियों एवं सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक भी की गई है ताकि NH निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर कर जल्द NH-33 का निर्माण कार्य पूरा हो सके ताकि जनता को आराम मिले। उन्होंने कहा कि जनता को NH के बदहाली के कारण अब तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसे देखते हुए कार्य जल्द पूरा हो इसकी बैठक में समीक्षा की गई। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में एक युवती के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, थाना में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। सारंडा और जमशेदपुर के वन विभाग ने अवैध लकड़ियों से लदे बस को पकड़ा, चालक और कंडक्टर गिरफ्तार। जमशेदपुर के बागबड़ा में शराब दुकान खोले जाने का स्थानीय ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस ने मामले को कराया शांत। और जमशेदपुर राजस्थान सेवा सदन की नई कमेटी के लिए मतदान संपन्न, लगभग 62% हुआ मतदान। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।